वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने जियो नंबर से कॉलर ट्यून को कैसे हटा सकते हैं, कैसे बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तीन तरीके बता रहा हूँ, उन तीनों तरीकों से आप अपने जियो नंबर की कॉलर ट्यून को हटा सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं। आपको जो तरीका ठीक लगे आप वो तरीके से अपने नंबर की ट्यून को बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है, आपको अपने मोबाइल में माई जियो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके भी इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको जो है मेन्यू बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करें आप। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा आपको, ये जियो ट्यून्स का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको माई सब्सक्रिप्शन इस बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो भी कॉलर ट्यून लगा रखी होगी वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपको सिंपली ये जो डीएक्टिवेट का बटन है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ये जियो कॉलर ट्यून होगी वो यहाँ से डीएक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, अभी दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके में क्या करना है, आपको एक मैसेज भेजकर भी जो है आप जो अपनी जियो कॉलर ट्यून है उसको बंद कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है आपको एक मैसेज क्रिएट करना है। उसके अंदर आपको जो है यहाँ पर मैसेज में टाइप करना है स्टॉप, लिख के स्टॉप लिख देना है आपको। और ये जो यहाँ पर नंबर है यहाँ पर आपको 56789 ये नंबर टाइप करके इसको अपने जियो की सिम से सेंड कर देना है इस मैसेज को। ठीक है, मैसेज सेंड करने के कुछ ही देर बाद आपको वापस एक मैसेज प्राप्त होगा और उसमें आपको जो है क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैसेज सेंड हो चुका है और जैसे ही मैसेज यहाँ पर सेंड हुआ है तो हमें एक वापस से एक रिप्लाई में एक मैसेज आया है कि अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक टाइप करके, यहाँ पर वन टाइप करके वापस इसका रिप्लाई देना है। तो यहाँ पर आपको वन टाइप करना है और उसके बाद सेंड बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर सेंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से हमारे पास मैसेज आ गया है कि आपकी जो जियो कॉलर ट्यून है वो डीएक्टिवेट कर दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है मैसेज भेजकर एसएमएस सेंड करके अपनी जियो कॉलर ट्यून को बंद करवा सकते हैं। अभी तीसरा तरीका और है, क्या करना है आपको, आप जो है कंपनी के जो हेल्पलाइन नंबर है इस पर कॉल करके भी अपनी जियो कॉलर ट्यून को बंद करवा सकते हैं। नंबर क्या है, 1555223, यह नंबर है। आपको इस नंबर पर अपनी जियो अपनी जियो सिम से कॉल करना है और जैसे जैसे आपको बताए वैसे वैसे आपको करना है, उनके स्टेप्स फॉलो करने हैं और उस तरीके से आप जो है अपनी जियो कॉलर ट्यून को बंद कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।